लोगों ने स्टार्ट दे दिया, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। और थोड़ा आपका एक टेपिट का एक साउंड है, थोड़ा टक 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 कर रहा है, तो उसको अभी ठीक कर लेंगे। और बाकी इंजन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, और टेम्परेचर भी देख। टाटा मैजिक का आपका ब्लॉक, इसका ओवरऑल हो गया था, पूरा मोबिल मार रहा था, मोबिल भी खा रहा था। और स्टार्ट में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि इसका कंप्रेशन नहीं बांध पा रहा था, तो इसी वजह से हम लोगों ने लाइनर को नया लगा के लेके आया। लाइनर नया, मेन बेरिंग भी नया। हालांकि अभी मेन बेरिंग का साइज़ आया है 20, क्रैंकशाफ्ट हम लोगों ने चेंज नहीं किया, वही क्रैंकशाफ्ट को पॉलिश करा के लेके आया। तो अभी हम लोग फिटिंग करने जा रहे हैं। ये हो गया ऑयल पम्प, हो गया ये, हो गया आपका साइड का कवर, हो गया ये, हो गया वेट, हो गया ये पिस्टन, तो नया है पिस्टन। पिस्टन का अंदर में जो कनेक्टिंग का बेरिंग है वो भी नया है। ये हो गया मेन बेरिंग का केप, हो गया वो, हो गया ठास हुआ सब क्रैंकशाफ्ट। ऑयल का जाल नट हो गया, ये हो गया आपका जो मोबिल फिल्टर रहता है, मोबिल फिल्टर का केचिंग थो, वो हो गया मेन केप का बोल्ट, वो हो गया आपका चैम्बर का बोल्ट, हो गया ये 14 ठो, ये हो गया आपका ऑयल प्रेशर का साइड कवर का बोल्ट, वो हो गया आपका जो वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी का आपका बोल्ट सब। तो हम लोग अभी फिटिंग करने जा रहे हैं, तो फिटिंग कैसे करेंगे अभी देखिए। मैंने मेन बेरिंग बिठा लिया है यहाँ, अभी हम लुब्रिकेंट करेंगे, मोबिल डालेंगे, उसका बाद हम अभी बिठाएंगे क्रैंकशाफ्ट को। क्रैंकशाफ्ट को बिठा के ठास वाशर देंगे, इधर से एक देंगे, इधर से एक ठास वाशर रहेगा, राइट। उसका बाद कैप में 2 ठास वाशर रहेगा और कैप सब फिटिंग करेंगे। तो पहले अभी हम क्रैंकशाफ्ट को बिठा लेते हैं, उसका बाद आपको दिखाएंगे, ठीक है। ठास्वासर मैंने क्रैंकशाफ्ट को बिठा लिया, ये हो गया ठास्वासर। ठास्वासर में देखिए कटा हुआ ये निशान जो है, ये रहेगा क्रैंकशाफ्ट का साइड में, राइट, ये रहेगा क्रैंकशाफ्ट का साइड में। ये जो कटा हुआ है, अभी अगर हम फिटिंग करते हैं तो ये प्लेन वाला साइड देंगे ब्लॉक का साइड में, और ये कटा हुआ साइड देंगे क्रैंकशाफ्ट का साइड में। ये जो कटा हुआ देख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे डालेंगे, राइट। तो ठास्वासर दोनों साइड में हम फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। ठास वाशर जो बेरिंग में, ठास वाशर कैप में जो ठास वाशर रहता है, वो इसका कटा हुआ मैं बाहर साइड में दिया, इसका भी कटा हुआ मैं बाहर साइड में दिया, देख लीजिए। तो इसको पूरा लुब्रिकेंट करके हम ये फिटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम फिटिंग करके आपको दिखाते हैं, तीनों कैप लगा के आपको फिटिंग करके दिखाते हैं। मैंने तीनों कैपों को बिठा दिया, मेन बेरिंग का कैप 1 2 3 मैंने बिठा दिया, और इसका जो एरो मार्क है वो मोबिल फिल्टर की तरफ रहेगा, ठीक है। और बेरिंग का कटा हुआ जो है वो आमने सामने रहेगा। हम अभी बोल्ट फिटिंग करने जा रहे हैं, ये हो गया इसका 6 बोल्ट, बोल्ट को हम फिटिंग कर देते हैं, इसको हम फिटिंग करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। और इंजन पूरा क्रैंकशाफ्ट पूरा फ्री घूमना चाहिए, राइट, थोड़ा सा भी जाम नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम टाइट देखे आपको हम घुमा के दिखाते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, अगर वीडियो में अगर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो ए टू जेड इसका इन्फॉर्मेशन रहेगा, जब तक स्टार्ट नहीं होगा गाड़ी तब तक हम आपको दिखाएंगे कि इसका प्रोसेस कैसा है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैंने मेन बेरिंग का कैप का कंप्लीट बोल्टों को टाइट दे दिया, साइड प्लेट भी लगा दिया। तो अभी देखिए मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, ये देखिए टोटली फ्री घूमना चाहिए, टोटली फ्री, ऐसा नहीं जाम नहीं रहना चाहिए, टोटली फ्री घूमना चाहिए। और थोड़ा सा हल्का सा ऐसा प्ले रहना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा, अगर आप प्ले करके देखेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा ठास्वासर का प्ले रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, अभी हम ऑयल पम्प को फिटिंग करने जा रहे हैं। ये हो गया ऑयल पम्प, ऑयल पम्प का गैस्केट लगाएंगे, ऑयल सील लगाएंगे, ऑयल पम्प का वो फिटिंग करेंगे। इसका ऑयल सील भी लगा दिया, और 6 बोल्टों रहता है, 6 बोल्टों मैंने इसका पूरा टाइट दे दिया, ठीक है। तो अभी हम ऑयल पम्प को लगाएंगे, ऑयल पम्प को लगाने के बाद हम इधर में फ्लाई व्हील को फिटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम पिस्टन को फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले ऑयल पम्प को फिटिंग करके हम फ्लाई व्हील को फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। मैंने वाटर बॉडी को लगा दिया, ऑयल पम्प को लगा दिया, वाटर बॉडी भी लगा दिया, उधर से साइड प्लेट भी लगा दिया। तो अभी जो क्रैंक का जो पुली है, टाइमिंग पुली को लगाना है, ये कुठार भी मैंने लगा दिया। उसके बाद अभी हम पिस्टन रिंग को सेटिंग करेंगे। और दो ऑनर यहाँ पे हैं, काकूदा भी है और दुर्लभ भाई भी है, कैसा है बाकी, बढ़िया है ना, बढ़िया। ओके, तो इंजन फिटिंग देख रहे हैं काकूदा भी, तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। लाइनर में अभी फंसा के देख रहा हूँ, ये देखिए इसका जो गैप है ना के बराबर है,
इसका भी जो गैप है ये भी ना के बराबर है, ये कंप्रेशन रिंग है, ये फायरिंग टॉप रिंग है, ठीक है। तो ये ऊपर में मैंने लगा के देख रहा हूँ, ये देखिए ना के बराबर, जस्ट हल्का सा एक गैप है जस्ट। तो ये जब हीट होगा तो ये गैप मेकअप हो जाएगा, ये भी देख रहे हैं ना ये। तो मैं ये बाहर में लगा के देखा, अभी थोड़ा सा इसको पिस्टन देके थोड़ा अंदर देके देखता हूँ। ये देखिए इसका गैप ना के बराबर है, ठीक है। उसी तरह मैं इसको भी देता हूँ, तो ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी ना के बराबर है, ठीक है। तो अभी पिस्टन रिंग को हम पिस्टन में फिटिंग करने जा रहे हैं। किस तरह से हम इसका ग्रुप रखेंगे वो ये हो गया पिस्टन, इसका फ्रंट रहेगा इधर में, इस साइड में रहेगा फ्रंट, इधर यहाँ पे रहेगा नोजल, ठीक है। तो मैंने टॉप रिंग का जो कट रखा है वो यहाँ पे रखा है, ये बराबर में, इस साइड में मतलब ऑपोजिट साइड में यहाँ पे रखा है फ्रंट टॉप रिंग का कट, ये है। और कंप्रेशन रिंग का जो कट है वो रखा है अपना साइड में, पूरा अपना साइड में, ये देख रहे हैं। और ऑयल रिंग का जो मोबिल रिंग का जो कट है वो रखा है इस साइड में, मतलब टॉप रिंग का जस्ट नीचे। तो थोड़ा सा हल्का सा इस साइड में कर देंगे यहाँ पे, ये हो गया मोबिल का रिंग का कट, ये हो गया टॉप रिंग का कट, और ये हो गया कंप्रेशन रिंग का कट। क्योंकि टॉप रिंग हम यहाँ कट यहाँ क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे इंजेक्टर रहेगा, फायरिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अपोजिट साइड में रखा है, और ये रहेगा फ्रंट साइड टाइमिंग साइड, ये रहेगा टाइमिंग साइड। यहाँ रखा है मैंने टॉप रिंग का कट, यहाँ रखा है कंप्रेशन रिंग का कट, और यहाँ पे रखा है मोबिल रिंग का कट, यहाँ पे या यहाँ पे भी हम रख सकते हैं, लेकिन ये वीक जोन में नहीं रखना है, यहाँ पे रखने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पिस्टन रिंग को भी यहाँ पे फिटिंग कर दिया, तो अभी हम डायरेक्ट लाइनर में, अभी मैंने पिस्टन को फिटिंग कर दिया, और फिटिंग करके मैं हाथ से भी घुमा रहा हूँ, ये देखिए मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, तो बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री है, टोटली फ्री है इंजन, देख रहे हैं, टोटली फ्री रहना चाहिए इंजन। और पीछे साइड से हम आपको दिखाते हैं कि पीछे साइड से कैसा रहना चाहिए, जो कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग में थोड़ा सा हल्का सा एक प्ले रहना चाहिए, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा एक हल्का सा एक प्ले रहना चाहिए, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा प्ले रहना चाहिए। और हाथ से बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए इंजन, हाथ से टोटली फ्री घूमना चाहिए। ये हो गया मेरा इधर से, तो अभी हम चैम्बर को लगाएंगे, वेट लगाएंगे पहले, यहाँ वेट नहीं लगाया, वेट लगाएंगे उसके बाद चैम्बर को लगाएंगे, ठीक है। मैंने हेड को बिठा दिया, हेड गैस्केट देके लुब्रिकेंट करके हेड को बिठा दिया, अभी वाटर लाइन का ये पाइप भी मैंने बिठा दिया, तो अभी सिर्फ पंप लगाना बाकी है और टाइमिंग मिलाना है, ठीक है, और गाड़ी में फिटिंग करेंगे। तो जब हम टाइमिंग मिलाएंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे। इनको हम लोग गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं, ये है पप्पू मिस्त्री, पप्पोली हाय, ये हाय कर रहे हैं। तो हम लोग अभी फिटिंग कर रहे हैं, टाइमिंग वगैरह मिलाना बाकी है, तो इसको पूरा फिटिंग करके टाइमिंग जब मिलाएंगे तब आपको दिखाएंगे, ठीक है, ओके। तो बने रहिए। हम लोगों ने स्टार्ट दे दिया, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, और थोड़ा आपका एक टेपिट का एक साउंड है, थोड़ा टक 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 कर रहा है, तो उसको अभी ठीक कर लेंगे, और बाकी इंजन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। और टेम्परेचर भी देख रहे हैं, टेम्परेचर भी ठीक नॉर्मल है अभी, और बाकी हो गया, बहुत बढ़िया हुआ आपका इंजन स्टार्ट। और ओनर ये है, भाई सर है ओनर, कार का ओनर, और हो गया। तो कहीं मोबिल वगैरह भी लीकेज नहीं है, हम लोगों ने पूरा चेक कर लिया, मोबिल भी प्रॉपर उठाया। और जब भी आप इंजन को स्टार्ट देते हैं, नया इंजन को स्टार्ट देते हैं, तो केप खोल के अलग चेक करना चाहिए कि मोबिल ऊपर उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। और इसका टाइमिंग के लिए हम आपको दिखाना भूल गया, टाइमिंग का एक्चुअली कैम का टाइमिंग यहाँ पे रहता है, और क्रैंक का टाइमिंग आपका जो मोबिल फिल्टर है, मोबिल फिल्टर का सामने रहता है, और पाम का टाइमिंग फ्रंट में रहता है। तो तीनों जगह टाइमिंग मिला के उसको फिटिंग करने से हो जाएगा, ठीक है। तो इतना देर मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।